सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार कर्म हूँ। इस टाइम पहुँच गया हूँ शाहीन बाग है ओखला विधानसभा में जो आवा है। सारा इंटरनेशनल मीडिया की जब बात करूँ तो सबकी नज़र आड़े पड़ रही है। और इस टाइम हमारे दर्शकों का प्रेशर था, नो कहते भाई शाहीन बाग की एक पूरी झलक दिखाओ, तो मैं पहुँचा हूँ आड़े। मैं कैमरामैन विकास नौनांस तक कहूँगा चुकरदे का दृश्य दिखा दो। फिलहाल जो चीज़ सामने नजर आओगी तो हमने अपना इंडियन फ्लैग दिखेगा और चुकरदे तो हमने देखेंगे फ्लैग्स के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। आप मेरे पिछले साइड देखोगे वी द पीपल ऑफ इंडिया रिजेक्ट CAA NPR NRC और पूरा भारत का नक्शा छाप दिया है। तो फिलहाल शाहीन बाग का जो मेन गढ़ है, जड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, जड़ा प्रदर्शन चल रहा है, उड़ा मैं पहुंच गया हूं। और आड़े लोगों के भीतर की बात और भीतर की भाप कटवाओगे, पूछांगे बारी बारी तय भाई क्यों हो रहे हैं इकट्ठे, के मुद्दा है NRC और CAA का विरोध क्यों कर रहे हैं। मेरे कहला चलो मैं तमने चुकरदे के दृश्य दिखाना रहूँगा। आप देखोगे मैं उतर के दृश्य दिखाऊंगा। आप देखो ये इस साइड देखोगे आड़ते लेकर, आप पीछे तक देखोगे जो मेन टेंट जो लग रहा है इधर आप देखोगे तो मेन टेंट लग रहा है वो। आप आड़े देखोगे स्लोगन की पॉलिटिक, जो स्लोगन के माध्यम से अपना प्रोटेस्ट जो प्रदर्शन किया जा रहा है, तो आप देखोगे ये। और थोड़ा पीछे की तरफ देखोगे तो कुछ फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं, दिखाऊंगा मैं, आज मेरे साथ साथ। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं, आज ये देखो ये फोटोग्राफ्स हैं जितने जो प्रोटेस्ट होया है, जो प्रदर्शन होया है उसमें जो जिन जिनका चोट लगी है या फिर कुछ हादसे हुए हैं, वो सारी की सारी फोटोग्राफ्स आड़े लगाए गए हैं भाई, देख सको। इस टाइम दाम ये शाहीन बाग में प्रदर्शन करने का एक अनोखा तरीका इसने कहा जा सका है भाई। हर जगह आपने पेंटिंग मिलेंगी, होर्डिंग लगे मिलेंगे, फ्लैग्स लगे मिलेंगे, उसमें आपने एक ज़बरदस्त चीज़ जो देखने की है, इंडियन फ्लैग साथ में है, भारतीय झंडा साथ में है, लेकिन उसके साथ साथ NRC और CAA का विरोध भी है। मेरे को लगता लो जहाँ मेन जो मंच है उस मंच तक मैं तमने लेकर जाऊँगा, मेरे को लगता बने रही हो। और जो मंच संचालन जो लोग कर रहे हैं मैं उन तक पूछूंगा, जाके बात करूंगा, आप मेरे साथ बने रहियो। बीच बीच में मैं दिखाऊंगा कैमरामैन विकास में नाम तक होगा, आड़ा लिख दिया तेरे गुरूर को जलाएगी वो आग हूँ, आकर देख मुझे मैं शाहीन बाग हूँ। तो ये चीज़ें अलग अलग आपने एक चीज़ और बता, जो नई चीज़ लगड़ गई है आड़ा उस साइड आप देखोगे वो सरदार जी बैठे हैं, उन्होंने लंगर लगा रखा है, उन्होंने लंगर लगा रखा है, उन पर पूछ लें पर। हाँ जी सरदार जी, लंगर किस लिए लगा रखा है लंगर? ये पंजाब से आए हैं जो जितने लोग हमारे मेहमान आए हैं उनके लिए और बहनों के लिए। तो आप मतलब NRC और CAA के पक्ष में विरोध में या क्या? लंगर बांट रहे हैं जी, हम जिनके साथ जुलम और उनका साथ दे रहे हैं। कार सेवा कर रहे हैं? कार सेवा कर रहे हैं। वैसे लंगर सेवा कर रहे हैं, कार सेवा लंगर सेवा, लंगर सेवा लंगर लंगर सेवा। लंगर में क्या बना रखा है? पूड़ी आलू सब्जी है, चावल है, पुलाव है, साथ में चटनी है। राजनीतिक चटनी भी चल रही है? लाल मिर्च वाली चटनी, लाल मिर्च वाली चटनी, राजनीति में लाल मिर्च वाली, राजनीति वाली चटनी दिल्ली की ठंड खत्म होगी इलेक्शन भाइयों के सहयोग से। और आपका आपका नाम क्या है? मैं देसी पत्रकार कर्म हूँ, भाई जानते होंगे बहुत से मनाड़े। हाँ कोई बात जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो जी चलो। गले गले तो जो लाइव जुड़ रहे हैं गले शेयर करते रहिए, मैं पूरा जो मंच है मेन मुख्य मंच जो है और तक जाऊंगा और वहां बात करूंगा, जाकर पूछूंगा भाई ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसके पीछे उद्देश्य क्या है। आप देखोगे रीड फॉर इंडिया अलग अलग स्लोगन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें लिखी दिखेंगे तुमने। ये शाहीन बाग है जिस पर इंटरनेशनल मीडिया की इस टाइम पूरी नज़र है और दिल्ली का जो इलेक्शन है इस शाहीन बाग का चुकरदे घूम रहा है इस टाइम। तो बयानबाजी की बात आवे तो बयान देने तो बहुत से नेता बच्चे भी हैं, टड़ा भी हैं, उनका नू भी रवा है भाई बयान देना ठीक है गलत है के उसके के नहीं, तो बहुत सी चीज़ें निकल के आऊँगी। आप ये देखोगे अलग अलग लोग कुछ सपोर्ट भी करना रहे हैं, कुछ विरोध भी हो सके, लेकिन ये देखो ये किसान यूनियन के हैं, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह, इनसे भी अंदर चलेंगे पहले पूछेंगे, ये सपोर्ट के लिए आए हुए हैं इधर, मेरे साथ चलो। हम शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट का जो स्थल है उसके बीच में पहुंच गए हैं, मेरे गले बने रहियो, दम मैं अंदर तक पहुंचूंगा। और पहले मेरी प्राथमिकता है मंच पर जाऊंगा, मैं मंच पर जाऊंगा, मंच पर जाके और यहां से रास्ता मिल गया तो ठीक, नहीं तो साइड से रास्ता लेंगे। आप देखो कैमरामैन तो मैं कहना चाहूँगा, कैमरामैन तो मैं कहना चाहूँगा उधर से रास्ता, चलो मैं बीच जी जी एक मिनट। हाँ अभी अभी लंच चल रहा है भाई, अभी रुक जाइए एक मिनट में, चलो एक मिनट भाई, सुनो सुनो सुनो, सिर्फ हमने बातचीत करनी है, कोई अभी रुक जाइए लंच का टाइम चल रहा है, चलो चलो एक मिनट।
भाई ने नु कहा भाई लंच चल रहा है, लेकिन मैं दूसरा दरवाजे तक जाने की कोशिश करूँगा, दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। चलो आ जाओ, एक बार दृश्य दिखा दो, आप दृश्य दिखा दो। ये शाहीनबाग का दृश्य है जिस पे इंटरनेशनल मीडिया की नज़र इस टाइम है। आ जाओ इधर, आ जाओ, चलो। चुकरदा आप देखोगे हर हर दीवार पे या ग्रिल पे सब जगह तो हमने होर्डिंग लगे दिखाई देंगे, होर्डिंग का माध्यम था। आप देखो इधर दिखाओ, इधर इधर ये चीज़ दिखाओ ना, ये हर मतलब पोस्टर के माध्यम से बहुत सारा विरोध दर्ज करवाने की तरीके आप देखोगे। हर उसमें ये लिख दिया, यहाँ पर यहाँ लिख दिया, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। चलो 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 मेरे साथ, ये है शाहीनबाग, चलो मेरे साथ बने रहो। फिलहाल लंच लंच चल रहा है, आप एक मिनट यहाँ से आप दृश्य देखोगे तो फिलहाल लंच चल रहा है, आप देखोगे इस टाइम लंच चल रहा है। एक मिनट थोड़ा, ये लंच चल रहा है, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 जी। आ जाओ, थोड़ा विरोध भी हो रहा है हमारा, लेकिन हम चलेंगे अंदर। जी जी, हम मंच तक पहुंच गए भाई। हाँ मंच मंच तक हम पहुंच गए हैं, ये मंच है। और मैडम एक हम थोड़ा दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है, किसके मतलब कहीं। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा अपना बता दे रहा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितु कौशिक है। रितु कौशिक, रूबी। हाँ जी, रूबी 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 जी, कौन बताएगा, ब्रीफ कौन करेगा? अच्छे से किस लिए हो रहा प्रोटेस्ट? रूबी तुम कर दो, नहीं आप नहीं कर दो, आप ही पूछो जी। देखिए ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकार एक ऐसा कानून लेके आई है जो कि बिल्कुल हमारे संविधान के खिलाफ है। जैसे आपने सुना है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो संसद में पारित हो चुका है, लेकिन वो हमारे देश की जो संविधान है, आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो हमारे देश के लोगों ने इस देश को दिया है, तो उसमें कहीं पर भी जो भी चीज़ें हैं जैसे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म, तो इन तीनों जो जो तीनों आधार हैं हमारे संविधान के, उसके ऊपर कहीं पर भी चोट पहुंचती है तो वो हमारे पूरे देश के ऊपर बहुत ही खतरनाक असर डालेगा। स्टडी कहाँ से चल रही है? मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से स्टडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और आप इसीलिए ये डेमोक्रेटिक राइट्स जो है ये किसी सरकार ने हमें नहीं दिए हैं, ये मोदी जी ने हमें नहीं दिए हैं, लेकिन मोदी जी डेमोक्रेसी का जो अधिकार है, लोगों को अपने मत रखने का अधिकार है, आवाज़ उठाने का जो अधिकार है, उसको छीन नहीं सकते। दूसरी बात यह है जो हमारे संविधान में जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो ये जो सरकार नया जो कानून लेके आई है CAA, इसमें तो भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान इन तीन देशों से जो शरणार्थी, ऐसा बोला गया है कि जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं उनमें से 6 हिंदू सिख ईसाई पारसी जैन सिख, इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, भारत में शरण दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम्स को नहीं दी जाएगी, तो ये हमारे संविधान के खिलाफ है। और एक एजुकेटेड नागरिक होने के नाते हम हमारे संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो छेड़छाड़ करने वाले हैं इनका संविधान बनाने में या इस देश को आज़ाद करवाने में कोई योगदान नहीं रहा। तो कितने दिन से चल रहा है, कौन सा दिन होगा आज? 52 डेज जो है वो 3 कंप्लीट हो गए, आज 53वां डेज है। कुछ लोग इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, जो ये प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे इस पे, आपको पता दिल्ली में इलेक्शन है, कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, शाहीनबाग के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि ये हटा देंगे, उनके बस की नहीं है ये हटाना, जब तक काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। अब वो उन लोगों को भी पता है कि यहाँ से हम हिलेंगे नहीं, जितने तुम हम पे वार करने की कोशिश करोगे इतनी भीड़ यहाँ बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी इतनी। और जो ये कहते ना, अरे हम तुम बाहर के लोगों को तो बाद में लेकर आना, पहले अगर मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, वो भी कई दिन से भूखे मारे मर रहे हैं, तो मैं यूँ कहूँगी नहीं, मुझे अपने बच्चों को खाना नहीं देना, पर तुम लोग मेरे घर आओ और खाना खाओ, ऐसा तो नहीं होता ना, पहले अपने बच्चों को देखो ना, प्रधानमंत्री के बच्चे हैं ना, तो उन्हें हमें देखना चाहिए या बाहर से लोगों को बुलाना चाहिए? आपका नाम? मैं शाहीनबाग की शाहीन हूँ। इलेक्शन के बाद भी चलता रहेगा प्रोटेस्ट? बिल्कुल चलेगा।
इंशाल्लाह जब तक काला कानून लिख के या हमेशा के लिए वापस नहीं ले रहे तब तक हम मिलने वाले नहीं है। लेकिन मोदी जी जब भाषण देते थे कहते हैं भाई किसी भी उसको बाहर नहीं भेजा जाएगा, किसी को किसी मुस्लिम को भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो मुस्लिम तो देखिए देखिए पहली बात ये है कि अगर ऐसा बोल रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि इसमें किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, किसी को बाहर नहीं भेजा जाएगा, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सीएए की जरूरत क्या थी? हमारे देश में पहले से ही नागरिकता देने का कानून है। हमारे देश में एक बकायदा एक डिपार्टमेंट है जो कि बाहर से के देशों से जो भी शरणार्थी आते हैं वो अपनी नागरिकता ले सकते हैं, तो इस कानून की जरूरत क्या थी, हम ये पूछना चाहते हैं। अवैध तरीके से रहता है ऋतु जी, जैसे आप नाम बता रहे हो, अवैध तरीके से कोई रहता है तो उसका उसको यहाँ पर रहने दे जाए, आप लोग उसके पक्ष में? देखिए जो अवैध तरीके से घुसपैठिया, जैसे कि बोला गया कि एनआरसी हम इसलिए लागू कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में दूसरे देशों से घुसपैठिए आ जाते हैं, आप ये बताइए सर कि हमारे जब भी बजट पारित होता है तो सबसे ज्यादा जो बजट दिया जाता है वो हमारी सेना को दिया जाता है, दिया जाना भी चाहिए, हमारी सेना हमारे देश की रक्षा करती है, लेकिन अगर घुसपैठिए आते हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी जिम्मेदारी है? मैं देख रहा था पोस्टर के माध्यम से बड़ा विरोध हो रहा है, जगह जगह पर वॉल पेंटिंग हो रही है, पोस्टर लग रहे हैं, फ्लैग लग रहे हैं, इंडियन फ्लैग, तो असली देशभक्ति, देशभक्ति की जब बात करें देशभक्ति किस तरह की, असली देशभक्त कौन है? यहाँ इंडियन फ्लैग है, भगत सिंह की भी फोटो लग रही है और साथ साथ में इंकलाब जिंदाबाद भी लिखा हुआ है, दूसरी साइड चलोगे तो वो भी कह रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद या फिर भारत माता की जय भी बोल रहे हैं, आप लोग भी करते हो ऐसा? जी हम भी इंकलाब जिंदाबाद बोलते हैं यहाँ पर जरूर। और देखिए देशभक्त कौन है? देशभक्त है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देशभक्त है विवेकानंद जी, देशभक्त है शहीद भगत सिंह, लेकिन ये लोग जो विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन विवेकानंद जी ने क्या बोला था आप जानते हैं? उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार में अगर एक हिंदू हो, एक मेरा बेटा मुस्लिम धर्म एक्वायर कर ले, मेरी वाइफ अगर क्रिश्चियन धर्म एक्वायर कर ले, तो इससे खुशी की बात, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। तो फिर आज देशभक्त जो है उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, शहीद भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये लोग सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं, उनके विचारों को इस्तेमाल नहीं करते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में सेक्युलरिज्म को लागू किया, उन्होंने जब INA फोर्स बनाई तो उसमें महिलाओं की एक टुकड़ी बनाई अलग से, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के उपसाथ वहाँ भेदभाव नहीं होता था। तो असली देशभक्त वो है, वो आज जो हम शाहीन बाग में यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जो आदर्श हैं जिनकी हम बात करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, शहीद आजम भगत सिंह की, अशफाक उल्लाह खान की, राम प्रसाद बिस्मिल की, ये असली देशभक्त थे और हम उन्हीं के ही वंशज हैं। तो आप लोगों ने अपनी बात आगे बताई, मतलब प्रोटेस्ट यदि खत्म होने की बात आती किसी तरह तो किस सूरत पे खत्म होगा, प्रोटेस्ट कब खत्म हो सकता है, मतलब क्योंकि आप कह रहे हो 50 से ज्यादा दिन हो गए, तो प्रोटेस्ट खत्म होने की बात आओगी तो किस स्थिति में खत्म होगा? देखिए प्रोटेस्ट तभी खत्म होगा जब NRC और CAA जो सरकार ने वापस जब सरकार रद्द कर देगी, और एक राष्ट्र के नाम, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने रामलीला मैदान में बोला था कि कोई NRC नहीं है, सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। ठीक है सर, मतलब प्रधानमंत्री जी हमारे आदरणीय है, एक हम पद की गरिमा को हम रखते हैं और रखना भी चाहिए, तो हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप राष्ट्र के नाम संदेश दें और आप बोले कि हम CAA और NRC रद्द कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से कौन सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? कोई राजनीति हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता हमें सपोर्ट कर रही है। मनीष सिसोदिया का बयान आया था, भाई मैं जामिया मिलिया के साथ खड़ा हूँ और जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ भी खड़ा हूँ, और यदि मोदी जी में हिम्मत है तो वो उठा ले उनको, उठाने की, वो तो प्रधानमंत्री है, उठाना चाहे तो उठा ले, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए कोई भी अपनी बयान दे सकता है, सपोर्ट में दे सकता है, बहुत अच्छी बात है, कोई भी सपोर्ट करें, हम तो पूरे क्योंकि देखिए ये सवाल यहाँ किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, ये इस देश की परंपरा के खिलाफ है ये कानून, इसलिए पूरे देश की जनता को सड़क पर उतरने की जरूरत है। यहाँ पर पता है इस टाइम इंटरनेशनल मीडिया की नज़र शाहीन बाग पे है और दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, तो सारे के सारे चुनाव शाहीन बाग के इर्द गिर्द घूम रहा है इस टाइम, आपको पता है इस बात? देखिए चुनाव हो सकते हैं इर्द गिर्द घूमे शाहीन बाग, लेकिन सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो है हमारे देश का संविधान, हम अपने देश के संविधान के साथ साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, चुनाव हमारा मुद्दा नहीं है, हम चुनाव से पहले भी थे, और अगर CAA और NRC रद्द नहीं होगा तो चुनाव के बाद भी हम देशभक्ति के गाने चलते हैं यहाँ से, देशभक्ति के गाने शुरुआत उससे ही होती है, कौन से जनगण होता है, सारे देशभक्ति जनगण से तो हम शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत। मैं सर यहाँ उत्तर प्रदेश से आया हूँ, नाम है मोहम्मद राशिद, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, यहाँ पे एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि यहाँ पे 500 रुपये दिए जाते हैं, तो मेरी माँ है 80 साल की, मैं उनको साथ लेके आया हूँ, मैं उनको साथ लेके आया हूँ, तो मेरा मैं 80 साल की मेरी माँ है, अब से 20 25 दिन पहले वो बोलने लगी मेरे को
कि भैया वहाँ पे शाहीन बाग में क्या हो रहा है। मैंने कहा कि अम्मा जी शाहीन बाग में जो हो रहा है वो राजनीतिक मैटर है, आप वहाँ मत जाओ। बोली नहीं बेटा वहाँ, फिर अभी 15 दिन पहले उनको एक उनकी पड़ोस में मोबाइल पे दिखाया कि यहाँ पे औरतें जो हैं वो जो ना 500 रुपये लेके बैठी हैं। तो मेरी माँ बोली बेटा एक बात बताओ, हम अब 80 साल के हो गए हैं, अगर हमारी हिंदू बहनें, मुस्लिम बहनें, सिख बहनें अगर 500 रुपये लेके बैठी हैं तो हमारे देश की तो बहुत नीचे गिरने वाली बात है, दुनिया में हम क्या मुँह दिखाएंगे। मैंने कहा तो मम्मा आप क्या करोगे इसके लिए। जब मीडिया कवर करती है तो मीडिया को हटाया क्यों जाओ, कई बार मीडिया के साथ मीडिया को हटाया नहीं जाता है, मीडिया खुद इस तरह के अपने लोग साथ लाती है कि वो यहाँ ऐसी कुछ हरकत वो करते हैं आके साथ में हटाने वाली और वो उसको जाके दिखा देते हैं। आपने मेरी पूरी बात अभी रिकॉर्ड नहीं करी है, अब भी आप रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अम्मा फिर आप क्या करोगी। बोले बेटा मैं जाऊंगी, मैं देख आऊंगी वहाँ ये ऐसा क्या सिस्टम है ये 500 वाला। आज मैं उनको यहाँ लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश से और मैं उनको सुबह ला के बिठाया है और उनकी जेब मैंने खाली रखी है। अब शाम को जब जाऊंगा तो मैं देखूंगा उनको 500 मिले कि नहीं मिले। अगर उनको नहीं मिले तो जो लोग यहाँ की महिलाओं पर, यहाँ की बहनों पर, हिंदू बहनों पर, मुस्लिम बहनों पर, सिख बहनों पर आरोप लगा रहे हैं कि 500 मिलते हैं तो इसका मतलब वो देशद्रोही हैं। फिर वो देशद्रोही हैं क्योंकि देशद्रोही किसी जाति धर्म से नहीं होता है, देशद्रोही तो मानसिकता से होता है। ऑल ओवर इंडियन पब्लिक, ऑल ओवर इंडियन पब्लिक इज सपोर्टिंग विद मी। बाहर से पैसा आने लग रहा है यहाँ? नो, दैट इज निगेटिविटी, ये सिर्फ नकारात्मक सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई पर्ची नहीं कट रही है, यहाँ कोई चंदा नहीं आ रहा है, ये जो बताते हैं बिरयानी बट रही है वो लंगर का पार्ट है और कोई पैसे का कोई आदान प्रदान। आपका शुभ नाम? आपका माय नेम इज संजीव कौशिक फ्रॉम गाजियाबाद। मैं चाहूंगा साहब अब मुझसे कुछ नकारात्मक सवाल करें, मैं चाहूंगा। सवाल तो बिल्कुल, देखो सवाल इसी से रिलेटेड है, शाहीन बाग से। शाहीन बाग के चक्कर राजनीति घूम रही है, आपको पता है इस बात का? मैं चाहूंगा पूछिए आप। राजनीति इसके चारों ओर घूम रही है, हिंदू मुस्लिम भी बन सकता है इलेक्शन, आप लोगों को पता है इस बात? देखिए लड़ाई संविधान को बचाने की है, ये इलेक्शन से कोई इसका पार्ट रोल नहीं है। इलेक्शन हिंदू हो जाए मुस्लिम हो जाए कोई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हर हिंदुस्तान के हर बंदे की दिले इच्छा ये है कि ये जो बहन माताएं बहनें रोड के ऊपर बैठी हैं इसका अल्टरनेट निकाला जाए, इसका ऑप्शन निकाले। मोदी ने बोल दिया भाई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी डर क्यों? साहब मोदी जी तो नोटबंदी में सुबह कुछ बोलते थे, दोपहर में कुछ बोलते थे, शाम को कुछ बोलते थे। मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं लेकिन इनकी बात पे विश्वास करना बहुत कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है, कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें इसका साथ दे रहे हैं। देखिए साहब जहाँ राम है वहाँ रावण भी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ निगेटिव पर्सन लोग आ जाते हैं अपनी निगेटिव मार्केटिंग करने के लिए, कोई असला लेके कोई कट्टा लेके, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये पिछले 70 दिनों से लगभग बैठे हुए हैं, 70 दिनों से। कब खत्म होगा? जिस दिन गवर्नमेंट आके दो लाइन बोल दे, उस दिन ये CAA और NRC और NPR की लड़ाई है, ये किसी जाति धर्म की नहीं है। और CAA, NRC और NPR जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये उसकी लड़ाई है, ये किसी विशेष धर्म की लड़ाई नहीं है। यहाँ CAA से क्या होगा, ये कहते थे कि 3 तलाक से हमारी बहनों को जो ना प्रोटेक्शन मिलेगी, हमारी बहनों को अधिकार मिलेंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि NRC से हमारी बहनें बाहर भी आ गई। हमारी बहनें जैसे असम में बाहर आ गई, जैसे वहाँ 19 लाख लोग इससे बाहर हुए हैं, उसमें हमारे तकरीबन 14 लाख हिंदू भाई हैं। NRC से क्या खतरा है, CAA से क्या खतरा है, CAA जो एक कानून हमारा आया है वो धर्म के आधार पे है कि नहीं है ये बता दीजिए, है आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ये हम नहीं चाहते। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि खुद उनका गृह मंत्री ही कोई नहीं मालूम कि ये मेरे जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो PM पद पे रह के इतना झूठ बोलेंगे तो और क्या होगा भाई। ऐसा सुनने मारा कुछ ऐसा। बेरोजगारी पे नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? वो एजुकेशन पे नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? कुछ ऐसा सुनने मारा कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं? नाम क्या आपका? नाम मेरा मुना है, नाम है, मैं शाहीन बाग से ही हूँ, मैं पूरे 50-53 दिनों से लगातार आ रही हूँ यहाँ पे। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ असामाजिक तत्व साथ दे रहे हैं आप लोगों का जो राष्ट्र विरोधी ताकते हैं। देखिए एक बात एकदम साफ है, जितने भी यहाँ पे रिपोर्टर आते होंगे दिखाते भले नहीं होंगे लेकिन सच्चाई सब बोलेंगे। सच बात ये है कि ये घर घर का एक ऐसा आंदोलन है जिसको ये समझदार औरतें जो जिनको इतनी अकल है वो समझ रही हैं कि ये हमारे खिलाफ इसलिए है क्योंकि ये संविधान से छेड़छाड़ है बस। अच्छा मान लो सरकार अपनी जगह अटक गई और आप अपनी जगह अटक गए, सरकार नहीं मानते तो उसके संविधान को सरकार मानेगी ना? यदि सरकार ने स्पष्ट कर दिया भाई हम NRC लेके आएंगे और यदि बोल रही है कि नहीं हम अपना संविधान लाएंगे, हम आपका संविधान नहीं माने, हम अम्बेडकर का संविधान नहीं मांगेंगे, लेकिन हमें तो अम्बेडकर का ही मानना है इसीलिए तो हम बैठे हैं। हमें मोदी की सरकार नहीं माननी, हमें अम्बेडकर का संविधान मानना है, मोदी
मोदी का मनुवादी सरकार संविधान दो चीजें हैं, सरकार एक तरफ होगी अपनी बात रख के, आप एक तरफ अपनी बात रख के, यदि अब 50 से ज्यादा दिन हो गया अब और आगे आगे यदि सरकार नहीं मानती अपनी जिद पे अड़ी रही है तो सरकार जाएगी, हम तो नहीं जाएंगे, सरकार जाएगी नहीं, आप लोग कोई प्रदर्शन करे रूप में जिस तरह अभी तो बैठे हो, फिर कोई हथियार वगैरह साल बैठे रहेंगे हम, सरकार जाएगी नहीं, कई बार ये कहते ना भाई हम ये उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, झूठ अफवाह है, सच का कोई झूठ कोई आधार नहीं होता, सच सामने आ ही जाता है, आज न कल आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, और इसमें कर ले जो भी करना है मोदी को कर ले, यहाँ फंसेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, ये धर्म के आधार पर पूछते हैं बार बार ना कि ये तो नागरिकता देने का है तो आप लोग क्यों आवाज उठा रहे हैं, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये धर्म के आधार पे है, बस इसीलिए हम इसके खिलाफ है, हम लोग मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमने चुना भारत को क्यों चुना ये तो सोचिए, हम पाकिस्तान क्यों नहीं गए, हमने भारत को चुना है भाई, ये हमारा संविधान कहता है, तो कह रहे हैं ना जो बाहर से अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश से जो आवेंगे तो बोल रहे हैं कि हम तो सिर्फ हिंदू को लाएंगे, मुसलमान मुसलमान उनका वेलकम है इंडिया में, बाहर से जो भी आ रहे हैं वो आए, अवैध तरीके से जो होंगे ना उनको नहीं, उनको भी तो साबित करना पड़ेगा ना, वो ऐसे तो नहीं आ जाएंगे भैया, उनको साबित करना पड़ेगा, अगर वो साबित नहीं हुए तो जहाँ से आए वहीं जाएंगे, उसी तरह हमें भी अपनी नागरिकता क्यों साबित करना पड़ रहा है जबकि हम खुद ही नहीं गए हैं, पीछे क्रांतिकारियों के फोटो भी लगे हुए हैं और वो बार बार वो कहते थे वंदे मातरम भारत माता की जय, ऐसा आप लोग बोलते हो, वंदे मातरम भी बोलते हैं, जय हिंद भी बोलते हैं, लेकिन जो ये बता रहे हैं झूठ वो नहीं बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हो, हाँ बिल्कुल बोलते हैं, देखिए भारत माता की जय, जय हिंद, हम लोग संविधान का पालन करेंगे, हम संविधान के साथ हैं, जय अम्बेडकर, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम भी बोलते हैं माशाल्लाह, वंदे मातरम, हम हिंदुस्तानी है ये बात याद रखिए, ठीक है शुक्रिया, चलो जी, और साइन बाग के बीचों बीच और मैंने पूछा है और भीतर की बात और भीतर की बात कटवाने की कोशिश करिए, आप चुकर तक देखोगे चारों तरफ देखोगे खूब लोग यहाँ पे, लेकिन एक खास बात देखो आप पीछे देखोगे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अपने क्रांतिकारियों के ऊपर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो ये एक इस तरह का अनोखा प्रदर्शन है जहाँ ये दोनों चीजें लगती है, ये भी लगती है कि भाई हाँ चलो प्रदर्शन देखो, आप देशभक्ति की बात आ गई तो ये भी देशभक्त अपना अपना कहने लग रहे, भाई हमने क्रांतिकारियों की फोटो भी लगा रखी है, प्रदर्शन भी चल रहा है, इस टाइम मैं बीचों बीच चल रहा हूँ साइन बाग के बीचों बीच, और ज्यादातर आप देखोगे मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बैठी हैं यहाँ पे, और जो आप हरियाणा में बोला मान साई बात मान साइड में खड़े हैं, बहुत से लोग देखने भी आए हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये चीज है, तो इस टाइम पूरा शाहीन बाग हमने दिखाया आपको और पूरा शाहीन बाग की भीतर की तस्वीरें हैं, बीजेपी से भी मीडिया को यदि आपने मीडिया में ये चीजें ये तस्वीरें नहीं देखने मिली हो तो हमारा इसमें देख लियो, और इस टाइम जब मैं नू घुमा दो इस साइड जी अच्छा चलो ठीक है, तो ये चीज़ है, ये माना शाहीन बाग का पूरा दृश्य आपको दिखाया है, तो भाई कै दिन चलेगा भाई ये हो गए ये 55 दिन हो गए, तो कब कैसे रुकेगा कैसे, सरकार बिल वापस ले ले, सीए वापस ले ले, रुक जाए, बिल वापस नहीं लेती ऐसे चलता रहेगा जी, चलता रहेगा और मतलब ऐसे शांतिपूर्वक चलता रहेगा कि कुछ ना शांतिपूर्वक चलता रहेगा, ये कुछ असामाजिक तत्व भी साथ दे रहे हैं, नहीं कुछ असामाजिक तत्व साथ दे रहे हैं, फाइनेंशियली भी खाना का भी और हो सकता है कुछ उठा पटक करनी पड़े तो उसके लिए भी साथ दे, नहीं ऐसा नहीं, कोई हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहे, यहाँ की पब्लिक सपोर्ट कर रही है खुद को, यहाँ के लोकल लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं कोई खाना लेके आ रहा है, कोई कंबल लेके आ रहा है, सरदार जी हमारे भाई किसान भाई भी आए हुए हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं इधर बाहर से भी आए, वो लोग अपना सपोर्ट खुद कर रहे हैं, कोई देशभक्ति पूरी 101% देशभक्ति भाई जी, देशभक्ति 101%। मैं कई बार अभी मैंने एक मुस्लिम महिला से बात करी थी आगे बैठे थे, मैं कह रहा था मैं कई बार वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने का दिक्कत हो जाए, दिक्कत नहीं, वंदे मातरम भारत माता की जय हम बोल रहे हैं, मेरा नाम सोनू वासी, मैं मुसलमान, हमें कोई दिक्कत नहीं वंदे मातरम बोलने से, भारत माता की जय बोलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बोलोगे कि गिरेबान पकड़ के तुझे बोलना पड़ेगा ये गलत है, हम अपने दिल से बोलेंगे, ठीक है, धन्यवाद, चलो जी चलो, ये भाई हमारी वीडियो देखा करके, नहीं बिल्कुल आपका वीडियो देखा करूंगा मैं, तभी तो आपको पहचाना मैंने, धन्यवाद भाई, चलो जी शाहीन बाग का पूरा दृश्य है इस टाइम तो हमने
देख लिया और तारों पर छोड़ दिया, तारों पर छोड़ दिया भाई। जो प्रदर्शन चल रहा है सामने के इलाके है, ये अपनी जगह ठीक है, गलत है या कुछ गड़बड़ है, दाल काली है, दाल में काला है, पतीला काला है, वो तारों पर छोड़ दिया। पूरा शाहीन बाग का भीतर तक की तस्वीर दिखाई है, सारा कुछ तक दिखाया है, बात भी करी है, पूछा भी है भैया देशभक्ति साची मतलब असली फसली या नकली किसी देशभक्ति है उसको भीतर जाकर पूछा है सारी चीजों से तो पूछ लिया। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास देसी रिपोर्ट में मेरे जुड़े हैं। मैं तारा देसी पत्रकार करूं। जय हिंद, जय हरियाणा और जय भारत।